सुनीता और उसका पति किशोर मजदूरी का काम करते थे। किशोर को कुछ समय से मजदूरी का काम मिल नहीं रहा था, इस वजह से ठंड के दिनों में बहुत परेशानी आ गई थी। सुनो जी, ठंड बढ़ रही है, हमें बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदने होंगे। मोनू भी पूरी रात खांसता रहा है, पतला कंबल ओढ़ते हैं बच्चे, तभी से ठंड लग गई। ये स्वेटर जो मैं लेकर आया था वो पहना कर सुला दिया करो सुनीता। वही तो पहना रखा था, रोजाना खेलते हुए पहने रहता है, बहुत गंदा था। मैंने धोकर डाला तो धूप ही नहीं निकली, अभी भी गीला है, इसीलिए मैंने वो फटा हुआ जो पुराना रखा था वही पहना रखा है। तुम कह रहे थे कि तुम्हारी मजदूरी के काम से तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे, मैं सोच रही थी कुछ कपड़े खरीद ले। रोजाना ही जा रहा हूँ कि कोई काम मिल जाए, पर कुछ देर की मजदूरी से इतनी जल्दी इतने पैसे जुटाना बहुत मुश्किल है। जो मिलेंगे उन पैसों से थोड़े दाल चावल और आटा खरीद लाऊंगा, कम से कम बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे। मुझे नहीं पता कि हम कपड़े कैसे खरीदेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगले दिन सुनीता अपना स्वेटर अपने बेटे को पहना देती है और एक पतली सी साड़ी पहनकर एक शॉल में लिपटी मजदूरी के काम के लिए जाती है। सुनीता का नियम था कि वो मजदूरी पर जाते हुए सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में जरूर जाती थी, वहाँ नियम से पूजा पाठ करके तभी वो मजदूरी के लिए जाती थी। हे शिव शंकर, आप तो अंतर्यामी हो, मेरे दुखों को दूर करो प्रभु, अब और नहीं सहा जाता, मेरे बच्चे ठंड में ठिठुर जाते हैं, इतने पैसे नहीं कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे गर्म कपड़े खरीद सकूं, मैं कुछ नहीं समझ पा रही कि मैं क्या करूं, हे भगवान मेरी मदद करो। सुनीता मंदिर में पूजा करके सीढ़ियां उतरी तो देखा कि मंदिर के पास एक बड़े सेठ कंबल दान कर रहे हैं। सुनीता भी उसी लंबी लाइन में लग गई। काफी देर तक लाइन में खड़े रहकर सुनीता को एक कंबल मिल ही गया। सुनीता को थोड़ी तसल्ली हुई, शुक्र है भगवान का एक कंबल मुझे मिल गया, कम से कम बच्चों की ठंड तो दूर हो जाएगी। बेटी ये कंबल मुझे दे दो, मैं ठंड से कांप रहा हूँ, मैं एक पैर पर ज्यादा देर कतार में खड़ा नहीं रह सका, इसलिए मुझे कंबल नहीं मिल पाया, मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी ये कंबल मुझे दे दो, भगवान शिव तुम पर कृपा करेंगे, मुझ पर दया करो बेटी। बूढ़े भिखारी को देखकर सुनीता के मन में दया आ गई और उसने वो कंबल उन बूढ़े भिखारी को दे दिया। खुश रहो बेटी, जीती रहो, देखना भगवान शिव तुम पर बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, वो तुम पर बहुत कृपा करेंगे, तुम बहुत दयालु हो बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुमने ठंड में मुझ गरीब को कंबल दिया है, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। शुक्रिया बाबा ये आशीर्वाद देने के लिए। कंबल लेने की वजह से सुनीता को काफी देर लाइन में खड़ा होना पड़ा, इस कारण उसे काम पर पहुंचने में देर हो गई। उसके मालिक ने उस पर बहुत गुस्सा किया। कहाँ रह गई थी है? इतनी देर से काम पर आई है, मेरे यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, बता रहा हूँ, मैं तुझे नौकरी पर नहीं रख सकता, चल मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ, चल। नहीं मालिक ऐसा मत कहो, अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं इतनी जल्दी कहाँ जाऊंगी, मुझे तो इतनी जल्दी कोई काम भी नहीं देगा, मैं देर नहीं करूंगी, मैं समय पर आऊंगी। नहीं नहीं, आज कोई और बहाना कर रही है, कल कोई और करेगी, अब मैं अपने काम के साथ समझौता नहीं कर सकता, समझी, और तेरा कोई हिसाब भी नहीं है पिछला, कल के 40 रुपए मैंने तुझे दे दिए थे। सुनीता का मालिक उसे नौकरी से निकाल देता है। सुनीता बहुत रोती है और रोते रोते घर पहुंचती है। किशोर भी घर पहुंच चुका था, उस दिन उसे भी कोई काम नहीं मिला। एक कंबल मिला वो भी इतनी देर लाइन में लगने के बाद, और वो भिखारी को दे दिया, और उसके बाद देख अब तेरी नौकरी भी चली गई, तू अगर देर से न जाती तो आज तेरी भी नौकरी न जाती, न मेरे पास नौकरी है न तेरे पास, क्या मिला, भगवान शिव ने तुझे भक्ति का क्या ही फल दिया, आज देख हम भूखे सो रहे हैं। वो बूढ़े बाबा चल नहीं पाते थे इसीलिए मैंने कंबल उन्हें दे दिया, कोई बात नहीं शायद वो उन्हीं की किस्मत का था, मुझे विश्वास है कि भगवान शिव हमारी मदद जरूर करेंगे। इतनी रात में कौन आया होगा? किशोर दरवाजा खोलता है, बाहर एक युवक खड़ा था जिसके सिर पर एक गठरी थी। मैं कंबल बेचने के लिए निकला था पर रात बहुत हो गई है, मेरे पास खाना बनाने का कुछ सामान है जो मैं अपने साथ लेकर निकला था, मेरे पास आग जलाने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या मेरे पास जो सामान है इसका थोड़ा भोजन बनाकर दे सकते हो भाई, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है लाओ दो, मैं बनवा देता हूँ,
ये आटा दाल चावल है और ये कुछ सब्जियां हैं। हो सके तो सभी कुछ बनवा दो भैया। ठीक है सुनीता, क्या तुम ये सब बना दोगी? हाँ हाँ, बेचारा कोई भूखा है, मदद करने में क्या जाता है। लाओ मुझे सामान दो, मैं बना देती हूँ। सुनीता सारा खाना तैयार कर देती है, दाल चावल सब्जी रोटी और थाली बनाकर उस युवक के लिए परोसती है। अरे आप लोग भी खाओ ना, मैं अकेला इतना सारा भोजन थोड़ी खाऊंगा। अभी तो आप लोगों ने भी नहीं खाया होगा ना, आप सब भी खाओ। खाओ ना भैया, मेरे साथ बैठकर खाओ। हाँ हाँ, मैं परोस देती हूँ, आप बैठो, मैं आपकी भी थाली लगा देती हूँ। सुनीता और किशोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन सचमुच उन सब ने भी उस युवक के साथ खूब पेट भरकर खाना खाया था। क्या बात है, बच्चों ने कोई ठंड के वस्त्र नहीं ओढ़े हुए? ठंड इतनी ज्यादा है, मैं तुम्हें कंबल निकाल कर देता हूँ। ये बढ़िया रंग के कंबल, तुमने मेरे लिए इतना किया है तो मैं भी तो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ ना। नहीं तो इतनी रात में कोई किसी की क्यों मदद करेगा भैया। एक काम करो, ये सारे कंबल मैं तुम्हें ही दे देता हूँ, मेरे पास तो घर पर बहुत कंबल है। वैसे भी मुझे घर ही जाना है, इतनी रात में गठरी लेकर जाऊंगा तो सही नहीं रहेगा। ये सारे कंबल और कुछ गर्म कपड़े तुम ही रख लो, समझना भगवान शिव का आशीर्वाद है। सुनीता और किशोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो युवक गर्म कपड़ों की गठरी रखकर मुस्कुराता हुआ चला जाता है। किशोर जैसे ही गठरी खोलता है, सुनीता हैरान रह जाती है। अरे इन सब कपड़ों में ये तो वही कंबल है जो मैंने उन बूढ़े बाबा को दिया था, आज सुबह ही तो दिया था। मैं इस कंबल को अच्छे से पहचान सकती हूँ, देखो ना ये सारे कंबल एक से हैं पर ये कंबल बिल्कुल अलग है, मैं इस कंबल को पहचान सकती हूँ। सुनो, वो कोई साधारण युवक नहीं था, वो जरूर भगवान शिव थे। हाँ हाँ, वही थे। क्या ये तुम क्या कह रही हो सुनीता, भगवान शिव? मैं भी कितना गलत था, मैंने न जाने गुस्से में भगवान शिव को क्या क्या कह दिया, पर तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, वो हमारी मदद को आए सुनीता। देखा उन्होंने हमारे साथ बैठकर खाना खाया, उन्हें पता था कि हम भूखे हैं, हमारे पास गर्म कपड़े नहीं हैं, उन्होंने तो इतने सारे कपड़े और कंबल हमें दे दिए। मुझे माफ कर दो भगवान, मैं आपकी शक्ति को समझ नहीं पाया। हे शिव शंकर, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी, मेरा परिवार अब सर्दी से बचा रहेगा, और ये सब आपकी कृपा से है शिव शंकर। भगवान शिव के घर में कदम रखते ही सुनीता और किशोर की किस्मत भी बदल जाती है। किशोर को एक अच्छी दुकान में नौकरी मिल जाती है, जिससे उसे तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिलने लगी। शिव जी की कृपा से उनके जीवन के सारे दुख दूर हो गए। एक बार भगवान शंकर तपस्या से उठे तो माँ पार्वती उनके पास आई और बोली, स्वामी आप सारा दिन पर्वत पर बैठे रहते हो और मैं सारा दिन घर का कामकाज करती हूँ, भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ, आप कुछ नहीं कमाते हो, मैं क्या खाऊं, क्या बच्चों को खिलाऊं, आपने कभी इस ओर ध्यान भी दिया कि परिवार कैसे चलेगा? माँ पार्वती की बातें भगवान शंकर ध्यान से सुन रहे थे। आप मेरी एक बात मानोगे स्वामी? मैंने तुम्हारे साथ फेरे लेते हुए सात वचन निभाने का वादा किया था, तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। तो फिर ठीक है, एक काम करो, आप वृंदावन चले जाओ, एक आपका अपना नंदी बैल तो है ही, और एक बैल आपका वहाँ कन्हैया से मांग लेना, कन्हैया के खेत हैं, आप वहाँ पर खेती करना, और जो फसल उगे उसे ले आना, कुछ तो काम चलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे स्वामी, आप वहाँ जाकर कन्हैया से कहना कि आप खेती ऊपर की लोगे और नीचे का हिस्सा कन्हैया को देना। ठीक है देवी पार्वती, मैं अभी नंदी बैल पर बैठकर वृंदावन जाता हूँ। इसके पश्चात भगवान शंकर अपने बैल नंदी पर बैठ गए और कन्हैया जी के पास जाने लगे। रास्ते में नंदी बैल उनसे बोला, प्रभु हम जा तो रहे हैं लेकिन ये कन्हैया बहुत चालाक हैं, बहुत तेज हैं। कोई नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, मैंने पार्वती को वचन दिया है कि अब मैं खेती करके ही लौटूंगा। और फिर इसके पश्चात शंकर जी अपने बैल नंदी के साथ कृष्ण जी के द्वार पहुँचे और अपना शंख बजाने लगे। शंख की आवाज सुनकर कृष्ण जी द्वार खोलते हैं तो उनके सामने भगवान शंकर खड़े थे। कृष्ण जी भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ आप आइए, भीतर पधारिए, अचानक कैसे आना हुआ? मुझे संदेशा भेज देते, मैं आपसे मिलने आ जाता। कन्हैया मेरा एक काम है जो केवल तुम ही कर सकते हो। हाँ हाँ बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मुझे आपके खेतों पर खेती करनी है, एक बैल मेरे पास है और एक बैल आप अपना दे दो और अपने खेत पर मुझे खेती करने के लिए दे दो। क्यों मैया, आपका क्या विचार है? भगवान शंकर हमारे खेतों पर खेती करना चाहते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमें भी बनी बनाई फसल मिल जाएगी,
पर मेरी एक शर्त है, खेती में आप जो भी मुझे बोने को कहोगे वो मैं बो दूंगा, पर खेती का ऊपरी हिस्सा मैं रखूंगा। तो आप बताओ मैं क्या बो दूं? ठीक है, मुझे मंजूर है। एक काम करो, आप ना आलू बो दो। ठीक है, फिर मैं फसल तैयार होने के बाद ही आपसे मिलूंगा। इसके बाद शंकर जी बैलों को लेकर खेती करने चले गए। उन्होंने खूब मेहनत से खेती की और आलू उगाए। कुछ दिनों में आलू की फसल पक कर तैयार हो गई। शर्त के मुताबिक शंकर जी और नंदी ने मिलकर आलू के ऊपर की फसल, आलू के पत्ते काटे और गठरी में भरकर कैलाश ले गए। शंकर जी ने बहुत खुशी से पार्वती मैया को वो गठरी दी। पार्वती मैया ने जब गठरी को खोलकर देखा तो वो हैरान हो गई। उस गठरी में तो पत्ते ही पत्ते थे। प्रभु, आप ये क्या उठा लाए हो? खेती कहाँ है जो आपने की थी? पार्वती, मैंने तो वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा। मैंने ऊपर की खेती का हिस्सा लिया और कैलाश लौट आया। मुझे कुछ नहीं पता प्रभु, अब मैं इन पत्तों का क्या करूं? ये पत्ते किसी काम के नहीं है। अब आप दोबारा जाओ और दोबारा खेती करके लाओ। और हाँ, अब की बार आप नीचे की खेती मांगना। एक बार फिर भगवान शंकर नंदी के साथ वृंदावन जाने लगे। रास्ते में नंदी ने उन्हें फिर समझाया कि कान्हा बहुत चतुर है, तो आप सावधान रहना। शंकर जी ने फिर से वही कहा कि जो होगा देखा जाएगा। कन्हैया, मुझे आपके बैल और खेत फिर से चाहिए। मुझे एक बार फिर खेती करनी है, पर इस बार मेरी शर्त ये है कि मैं खेती नीचे की लूंगा, ऊपर की आप रखना। बताओ मैं क्या बो दूं? ठीक है, फिर तो आप बाजरा बो दो। कृष्ण जी के कहने पर शंकर जी ने बाजरा बो दिया और खेती की, उसकी अच्छे से रखवाली की और कुछ ही समय में बहुत अच्छी बाजरे की फसल उगाई। शंकर जी बाजरे के नीचे की डंडियां तोड़कर कैलाश ले गए और ऊपर का बाजरा सारा कृष्ण जी और यशोदा मैया घर ले गए। कैलाश पहुंचकर जब शंकर जी ने माता पार्वती को बाजरे के नीचे की डंडियों से भरी गठरी दिखाई तो वो फिर से क्रोधित हो गई। अरे आप ये क्या ले आए? ये तो घास फूस है, इनका मैं क्या करूंगी? इसमें बाजरे के दाने कहाँ हैं? पार्वती, मुझे तो तुमने कहा कि मैं नीचे की खेती ले आऊं, इसलिए ऊपर की खेती मैंने कन्हैया को दे दी। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बनाऊं और क्या खिलाऊं। आप एक बार फिर से जाओ और इस बार कन्हैया से कहना कि ऊपर और नीचे दोनों की खेती आप ही रखोगे। ठीक है पार्वती, जैसा तुम कहो मैं फिर से जाता हूँ। चलो नंदी। शंकर जी कन्हैया के द्वार पर पहुँचे और उनसे फिर से खेती करने के लिए कहा। कन्हैया, इस बार ऊपर और नीचे दोनों की खेती मैं ही लूंगा, बताओ मुझे क्या बोना है? ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप इस बार मक्का बोलो। इस बार आप ऊपर और नीचे की खेती ले लेना और जो बचेगा वो मैं रख लूंगा। शंकर जी फिर से खेती करने लगे। कुछ ही समय में मक्का की बहुत अच्छी फसल उगाई। कृष्ण जी यशोदा मैया के साथ मिलकर बीज का हिस्सा यानी कि मक्का तोड़कर घर ले गए और ऊपर और नीचे की फसल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर ले आए। इस बार नंदी और भगवान शंकर बहुत खुश थे कि ऊपर और नीचे की दोनों खेती देखकर माता पार्वती बहुत खुश होंगी। पर जैसे ही उन्होंने माँ पार्वती को खेती की गठरी पकड़ाई, जिसे देखकर माँ पार्वती अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अरे ऊपर और नीचे की फसल तो ले आए, पर इसमें भुट्टा कहाँ है? पार्वती, तुमने ही तो कहा था कि ऊपर की और नीचे की खेती लेकर आऊँ, इसलिए मैं ऊपर और नीचे की खेती ही तो लेकर आया हूँ। अब मैं भोला भाला जैसा तुमने मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया। तभी कृष्ण जी आते हैं। माँ पार्वती, भोलेनाथ बिल्कुल उचित कह रहे हैं। भोलेनाथ को तभी तो भक्त भोले बाबा कहते हैं। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं, प्रेम से जो भी इनको कुछ भी अर्पित करता है वे ग्रहण कर लेते हैं। आप धन्य है भोलेनाथ। माँ पार्वती, भोलेनाथ के द्वारा की हुई खेती मैं ले आया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। माँ पार्वती देखती हैं कि भगवान भोलेनाथ ने तो बहुत ही बढ़िया खेती करके आलू बाजरा और मक्का उगाया था। वो खुशी से फूली नहीं समाती। कुछ भी कहिए स्वामी, पर आपने नंदी और कान्हा के बैलों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया खेती की है।